नमस्कार, मैं सोनू सिंगल अजमेर राजस्थान से आप सभी का जन सरोकार मंच पर हार्दिक स्वागत करती हूँ, अभिनंदन करती हूँ। कविता जब बोलती है के तहत कार्यक्रम में अभी हाल ही में प्रकाशित मेरी पुस्तक सिर्फ एहसास काफी है संग्रह प्रकाशित हुआ है, उसमें से मैं अपनी कुछ कविताएं आप सबके समक्ष प्रस्तुत करना चाहूंगी। मेरी पहली कविता तोहफा। सोचती हूँ क्या तोहफा दूँ तुम्हें, सोचती हूँ क्या तोहफा दूँ तुम्हें, अपनी धड़कन दूँ जो तुम ही में धड़कती है, अपनी धड़कन दूँ जो तुम ही में धड़कती है, अपने अल्फाज दूँ जो तुम ही से महकते हैं, अपने अल्फाज दूँ जो तुम ही से महकते हैं, अपने ख्वाब दूँ जिनमें सिर्फ तुम्हारा तसव्वुर है, अपने ख्वाब दूँ जिनमें सिर्फ तुम्हारा तसव्वुर है, अपनी तन्हाइयाँ दूँ जो तुम्हारे इर्द गिर्द ही घूमती है, दिन की शुरुआत दूँ जो तुम ही मुझे देते हो, दिन की शुरुआत दूँ जो तुम ही मुझे देते हो, फिर सोचती हूँ सब कुछ तुम्हें देकर उसे सहेजने का वादा तुमसे ले लूँ, फिर सोचती हूँ सब कुछ तुम्हें देकर उसे सहेजने का वादा तुमसे ले लूँ। इतवार, मेरी दूसरी कविता। इतवार का इंतज़ार सभी को रहता है, आइए सुनाती हूँ एक कविता। शायद मेरा इतवार भी आपके इतवार से ही मिलता जुलता हो। इतवार का इंतज़ार और वो छुट्टी का आनंद। सुबह की मदमस्त हवा, दरीचों से झांकती सुनहरी धूप और आलस भरी अंगड़ाइयाँ। घड़ी के साथ बार बार आँख मिचोली खेलना, फिर मुंह ढककर वापस सो जाना। घड़ी के साथ साथ बार बार आँख मिचोली खेलना, मुंह ढककर वापस सो जाना। बर्तन बजने की आवाज़ें, माँ का तेज आवाज़ में भजन गाना फिर भी कानों को सुहाना, माँ का तेज आवाज़ में भजन गाना फिर भी कानों को सुहाना। बच्चों की खुसुर पुसुर, पत्नी का बार बार चादर खींचना। चाय साथ पीने की जिद वाला वो प्यार भरा गुस्सा। माँ के पैरों की मालिश करना, पिता के साथ उनके अनुभवों को बांटना। इतवार के दिन का इंतज़ार हर बार रहता, क्योंकि हर इतवार मुझे बच्चा बना देता। भारत की आत्मा गाँव में बसती है। गाँव का प्रारूप अब बहुत बदलता जा रहा है, गाँव का प्रारूप बहुत बदलता जा रहा है, ये कविता आपके समक्ष प्रस्तुत करती है। सिमटते गाँव। गुजर रहा था एक गाँव की कच्ची सड़क से। सोचा तो बहुत कुछ था, पर जैसे जैसे आगे बढ़ा मन उदास हो गया। सूखे हुए खेतों को देखकर दूर दूर तक पेड़ों का नामो निशान नहीं, पक्षियों की चहचहाट नहीं, खेत पर हल चलाता किसान नहीं, गली में वो कंचे खेलते बच्चे नहीं, घूंघट से झांकती कोई औरत नहीं, पनघट पर जल भरती कोई पनिहारी नहीं, ओखली में धान कूटती कोई गृहस्थन नहीं, चूल्हे पर मिट्टी के तवे पर सिकती रोटी की गंध नहीं, कांख में बच्चा लिए फिरती माए नहीं, कच्चे मकान की आती सौंधी सौंधी महक नहीं, उपले थापते कोई बूढ़े हाथ नहीं, गाय चराते ग्वाले नहीं, दूध दोहती स्त्री नहीं, ऊंट और बैलगाड़ी की सवारी नहीं, मसले हल करने वाली पंचायतें नहीं, क्योंकि गांव न रहे गांव और न ही हो पाए वह शहर, क्योंकि गांव न रहे गांव और न ही हो पाए वो शहर। मेरी चौथी कविता। कई घरों में
बुजुर्गों की स्थिति बहुत दयनीय होती जा रही है, लेकिन हमें ये नहीं पता कि हम उनके सानिध्य में रहकर कितना कुछ सीख लेते हैं, उनके जीवन के अनुभव से हम कितना कुछ अपने जीवन में उतार सकते हैं। ये कविता इसके जरिए मैं ये बताना चाहूँगी कि घर में बुजुर्गों से लोग कितना किनारा कर लेते हैं। मेरी कविता का शीर्षक है किनारा। आबाद हो जाते हैं वृद्धाश्रम, आबाद हो जाते हैं वृद्धाश्रम और घरौंदे सूने रह जाते हैं। आबाद हो जाते हैं वृद्धाश्रम और घरौंदे सूने रह जाते हैं। इनको बनाने में माँ बाप के सपने कहीं सिमट जाते हैं। इनको बनाने में माँ बाप के सपने कहीं सिमट जाते हैं। अपनी हर ख्वाहिश परे रखते हैं, भीगे आंचल और आंखों की नमी को बच्चे कहाँ पढ़ पाते हैं। भीगे आंचल और आंखों की नमी को बच्चे कहाँ पढ़ पाते हैं। जिन्हें समझते हैं वो अपनी ज़िंदगी, जिन्हें समझते हैं वो अपनी ज़िंदगी, वही उन्हें धोखा दे जाते हैं। जिन्हें समझते हैं वो अपनी ज़िंदगी, वही उन्हें धोखा दे जाते हैं। उनके प्रेम त्याग और अनुभव को कहाँ वो सीखना चाहते हैं। संवेदनाओं और भावनाओं की कीमत को समझना नहीं चाहते हैं। उन्हें कहाँ कदर है वट वृक्ष के छांव की, वो अपनी अलग ही दुनिया बसाते हैं। जिनसे दुनिया होती है उनकी गुलजार, जिनसे होती है दुनिया उनकी गुलजार, उन्हें बीच मझधार में छोड़कर चले जाते हैं। उन्हें बीच मझधार में छोड़कर चले जाते हैं। हर पल सजदे में जिनके लिए करते हैं दुआएं, आखिर वे ही किनारा कर जाते हैं। मेरी अगली कविता जिम्मेदारियों का एहसास कराती। पिताजी के जूते पहने तो वे मुझे आने लगे। मन बावरा खुशी से झूम उठा। फिर एहसास हुआ इतनी जिम्मेदारी उठाने के काबिल हूँ क्या मैं अभी। फिर सोचने लगा छोटी छोटी खुशियों का कितना ख्याल रखते हैं वे। फिर एहसास हुआ कि छोटी छोटी खुशियों का कितना ख्याल रखते हैं वे। उतार कर जूते वहीं रख दिए जहाँ पिताजी रखते हैं। एक कविता है तुम ही से जो मेरे मन के करीब है। मेरे गीतों का श्रृंगार तुम ही से मेहंदी के रंग में महकती खुशबू तुम्ही से मेरी वेणी में जुही की महक तुम्ही से तारों को देर तक देखने का सुकून तुम्ही से गुलशन में बासंती बहारें तुम्ही से आंगन में सजी तुलसी पर संजा बाती कर मांगी सभी दुआएं तुम्ही से गणगौर तीज त्योहार सावन के झूले तुम्ही से माथे पर कुमकुम की लालिमा तुम्ही से चुंदर से ढका लाज का घूंघट तुम्ही से सब कुछ प्रियवर है तुम्ही से तुम मेरे और मैं तुम्ही से। मेरी एक अगली कविता धूप। प्राची से गुनगुनाती सी धीमे धीमे पांव धरा पर धरती जैसे नई दुल्हन पहले पहल नए घर के चौके से गुजरे। प्रकृति की नायिका को पीताम्बरी से सजाती हो धूप जैसे। प्रकृति की नायिका को
पीताम्बरी से सजाती हो धूप, गीली पांखुरी पर ओस कणों के संग झिल मिलाती सी, गीली पांखुड़ी पर ओस कणों के संग झिल मिलाती सी, बादलों की ओट में लुक्का छुपी करती सी, बादलों की ओट में लुक्का छुपी करती सी, कुदरत के हर अस्क में अपनी आभा बिखेरती सी, कुदरत के हर अक्स में अपनी आभा बिखेरती, कलियों को छूकर उसमें खुशबू का उन्माद भरती, कलियों को छूकर उनमें खुशबू का उन्माद भरती, ठहर कर पल भर मंदिर के गुंबद पर, ठहर कर पल भर मंदिर के गुंबद पर प्रणय की आरती गाती, ठहर कर मंदिर के गुंबद पर प्रणय की आरती गाती, धूप जीवन को देती हर रोज एक नई आस, धूप जीवन को देती हर रोज एक नई आस। धन्यवाद आप सभी।